नमस्कार, बोकारो स्टील की वीडियो समाचार पत्रिका बोकारो दर्पण के संक में आपका स्वागत है। आज के समाचार हैं, महिला समिति बोकारो के सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण, बोकारो के सेक्टर 5 में स्थित बोकारो क्लब के आसपास महिला समिति बोकारो के सदस्यों ने रविवार को वृक्षारोपण किया। समिति की अध्यक्ष श्रीमती अनीता तिवारी ने हरे भरे फलदार और छायादार वृक्षों का महत्व समझाते हुए बताया कि पेड़ हमें फल फूल छाया देते हैं, पशु पक्षियों के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, साथ ही पर्यावरण की रक्षा करते हैं। बढ़ती जनसंख्या तथा शहरीकरण ने पर्यावरण के संतुलन को क्षतिग्रस्त किया है, इसलिए समिति का प्रयास है कि वह इसके संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इस अवसर पर समिति के सारी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अपनी सहभागिता दर्शाई। 20 जुलाई को BSL के अधिशासी निदेशक परियोजनाएं एवं अतिरिक्त प्रभार सामग्री प्रबंधन श्री CR महापात्रा की अध्यक्षता में बोकारो औद्योगिक क्षेत्र बियाडा के उद्यमियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य महाप्रबंधक अनुरक्षण श्री PK बैसखिया, मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री VK सिंह, मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री हरि मोहन झा, मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री हर्ष निगम, मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री CR मिश्रा, महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री भूपेंद्र सिंह, उप महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री IH अंसारी तथा अन्य वरीय अधिकारियों सहित बियाडा के 30 से अधिक उद्यमी शामिल थे। बोकारो स्टील प्लांट बियाडा तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम SME के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत हैं। बैठक में चर्चा के दौरान बियाडा उद्यमियों ने अपने विभिन्न मुद्दे BSL के समक्ष रखे। BSL की ओर से बियाडा उद्यमियों की समस्याओं के निदान के बारे में विचार विमर्श किया गया, साथ ही बियाडा उद्यमियों के द्वारा आपूर्ति किए गए सामग्रियों तथा सेवाओं में बेहतरी लाने पर भी चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने बैठक के दौरान परस्पर समन्वय द्वारा सभी पहलुओं को सकारात्मक निदान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। बोकारो स्टील की वीडियो समाचार पत्रिका बोकारो दर्पण का अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।